हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे आपको पता है आज है शीतला सप्तमी, तो आज है हमारा फास्ट। तो अभी मैंने पूजा वूजा कर लिया, वो क्लिप इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 में कुछ कम है, 8:20 या 8:15 हो रहे हैं। मेरी घड़ी थोड़ी फास्ट है, तो अभी सुबह हो चुके, मैंने पूजा भी कर लिया है। चलिए, चाय वाय बना दिया है मैंने। इसके बाद आज हमको जाना है सामान लेने के लिए। अभी हो सकते सुबह हम जाएंगे डीमार्ट, थोड़े बहुत चीज़ें हमको वहाँ से भी लेनी है। और इसी में इनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, जैसे ही हमने प्लानिंग किया कि चलो भाई सब कुछ ठीक ठीक। एक बार तो पूरी प्लानिंग ये हुई थी जब उसने हमें इन्वाइट किया था, कि फिर हमने क्या किया था, कैंसिल कर दिया था, क्योंकि इनका थोड़ा काम आ गया था। ये हुआ कि अब हम नहीं जा पाएंगे, तब हमने अपना पूरा प्लान कैंसिल कर दिया था। बट फिर से हमने प्लान बनाया, लेकिन अब इनकी ही तबीयत ख़राब हो गई। क्या ही बोलूं, जैसे ही जाने का सब कुछ अच्छा हुआ कि चलो हाँ बस अब जाते हैं, अब इनकी तबीयत ख़राब हो गई। ये दवा ववा लेके आ गए हैं, डॉक्टर को दिखा दिए हैं, बस देखते हैं ठीक हो जाए, भगवान करे जल्दी जल्दी से फिर हम जाएं। और यही होता है यार, जब आप कहीं जाने वाने का प्लान करते हो ना कुछ तो गड़बड़ होना ही है, 100% ये चीज़ होता ही है। और अभी कल मैंने आपको, मैं सोची थी कि कल मैं सारी चीज़ें करूँगी, जाके सामान वामान लेके आऊँगी, बट इनकी कल हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी कि मैं सामान लेने जाती, तो इस वजह से मैंने वो चीज़ पोस्टपोन कर दिया कि जाने दो, आज चल पड़ेंगे। अब देखती हूँ, सुबह भी ज़्यादा डीमार्ट में रश भी नहीं रहेगा, तो एक बार जाके आते हैं, जो कुछ भी थोड़े बहुत सामान रहेंगे ले लेंगे। इसके बाद बाकी कल का समय एक दिन और बचा है, इसके बाद परसों तो हमको निकलना ही है। तो देखते हैं क्या कैसे होता है, जो भी कुछ रहेगा आपसे शेयर करते रहेंगे। और कल पूजा भी रहेगी, तो उस चीज़ की भी तैयारी करनी रहेगी, साफ़ सफाई भी करनी रहेगी। बाकी किचन का मैंने थोड़ा बहुत कल कर लिया था, तो बस चलते हैं फटाफट, चाय पानी छुपा नाश्ता वाश्ता बनाते हैं, इसके बाद निकल जाते हैं सामान लेने के लिए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइज़, यहाँ पे हम कपड़े रख रहे थे अपने, और सबसे पहले मैंने सोचा चलो हस्बैंड के जो भी कपड़े हैं वो रख ले, नहीं तो क्या है, एक बार आप कपड़े निकाल लो फिर डिसाइड हो जाता है कि हाँ क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है। तो हमने सबसे पहले उनके कपड़े रखे, और मैंने अपने एक साइड में ऐसे ही रख दिए थे, फिर मैंने बाद में निकाल के इस्त्री वाले भैया को दिया, इस्त्री करवाया। और कपड़े एक्चुअली रखे रहते वैसे भी पहले से भी आयन थे, बट वो जब भी आप रखते हो ना सूटकेस या कहीं, उसके आयन निकल ही जाते हैं, तो वो पूरा एकदम अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसलिए फिर से एक बार से इस्त्री करवा लिया। और इसके बाद अब आज मैं जो है फाइनल पैकिंग करूँगी। इसमें तो मैंने थोड़ा बहुत दिखा, और मैंने मेन जो मेरी चीज़ें थी सब मैं निकाल के रख ली हूँ, बस मुझे पैक करना है सामान, फटाफट सूटकेस में डालना है और रख देना है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए आज ही सारी चीज़ें कर लूँगी। अब लेने वेने की भी जो चीज़ें हैं आज फाइनल सारी चीज़ें ले लेंगे, ताकि हमको कुछ भूले ना। तो इसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे डीमार्ट, कुछ हमको घर की भी चीज़ें रख के जानी थी, ताकि बाद में मम्मी पापा को परेशानी ना हो कि सामान नहीं है ये सब चीज़ें। और डुग्गू भी घर पर ही रहेगा, उसका स्कूल है, तो उसके लिए भी सारी चीज़ें रख के जानी है। तो इसलिए हम सामान भी लेने आ गए थे और कुछ चीज़ें भी लेनी थी। और यहाँ पे हस्बैंड अपने लिए कुछ ले रहे थे, तो वो ट्रायल रूम में थे, तो यहाँ बाहर खड़ी होकर मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। और पता नहीं क्यों अभी भी मुझे यार पब्लिक प्लेस पर रिकॉर्ड करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, मतलब थोड़ी हेजिटेशन होती है अभी भी, एकदम खुल के नहीं आ पाती हूँ। और इसके बाद ये है सुबह का टाइम, और इस टाइम बज रहे थे 4:00 और इस दिन थे शीतला सप्तमी, जो सुबह सुबह पूजा होती है। तो मैं उठ गई थी, मैं पूड़ी उड़ी बना के आ गई थी, बैठ गई थी, अब देखती हूँ मेरे चीक्स ना पिंक पिंक हो गए थे गर्मी के मारे। और इसके बाद बन गया था, तो मैं हवा में थोड़ी देर बैठी थी, तो मम्मी बना रही थी आटे का हलवा,
क्योंकि आटे का हलवा मुझे बनाने प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, और इसमें जो है आटे का हलवा ही चढ़ता है, आटे का हलवा और पूरी, और जो पूरी भी होती है ना वो राई के तेल में बनती है, कोई घी नहीं, ना तो घी में ना तो रिफाइंड ऑयल में, और ये स्पेशली राई के तेल में ही बनता है क्योंकि इनकी शीतला सप्तमी की जो पूजा होती है इसी तेल में होती है। तो बस यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर ली थी ऐसे ही और हंस रही थी, थोड़ा थोड़ा बीच में इसको चला रहे थे, नहीं तो इसमें छोटी छोटी गांठें आ जाती हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स करते रहोगे ना तो बहुत अच्छा बन जाता है। मेरे को तो ठीक ठीक सा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक है, प्रसाद है तो माता रानी का पैर चौके खा लेते हैं। तो यहाँ पर तैयारी मम्मी कर रही थी, तैयारी चल रही थी तो, और मुझे नींद भी आती क्योंकि इस दिन मैं क्या क्या हम की पता है आपको, बिग बॉस देखते देखते मैं सोई थी कम से कम 1:30 से 2:30 बजे, और मैंने अलार्म भी 3 बजे का लगा रखा था। तो सोचो आप 1 घंटे 1.5 घंटे में नींद क्या ही पूरी होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जाके मैं सो जाऊं, बट पूजा थी तो क्या कर सकते हैं। तो मैंने पूरी तैयारी करवा ली थी मम्मी के साथ, बाकी जो मेन तैयारी थी भाई मम्मी कर रही थी, क्योंकि मुझे तो ये सब पूजे में हाँ कर लेती हूँ जब मम्मी बताती, बाकी पूरा समझ में नहीं आता है। इसके बाद इस पूजे में ना साड़ी भी चढ़ाते हैं, तो उसमें मम्मी साड़ी चढ़ा के टीका वीका लगा रही थी, और साड़ी जो हो ना उसमें ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी कलर हो बस ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद जो आंचल होता है उसके ऊपर टीका लगाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी देखो मुझे भी सिंदूर लगा दी थी एक बार ही, तो उन्होंने पूरे मेरी तिरछी मांग में ही सिंदूर भर दी थी। इसके बाद दोबारा मैंने बोला तो मम्मी ने सही से लगाया, क्योंकि सही से दिख नहीं रहा था, सुबह का टाइम था यार, अंधेरा अंधेरा भी था, लाइट चालू था नो डाउट, बट ठीक है लग गया था ऐसा। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मोनू भाई, आज आ जाओ बेबी, बता दो सबको तभी तो पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। और आप लोग मेरी आंखें देख रहे होंगे, आंखें देख के क्या लग रहा है, बहुत रोई हूँ ना, तो मैं छछी में रोई हूँ। क्यों रोई मैं बिग बॉस देखते देखते इतना रोई कुछ हूँ। शिवानी में शिवानी का इविक्शन हुआ, उसके बाद सबसे ज़्यादा रोना तब आया जब विशाल का हुआ, देख देख के भाई रो रो के मेरी हालत ख़राब हो गई। ये देखो मेरा बेटा भी उठ गया मुझे रोता देख, ऐसा क्यों होता है यार, से बड़ा बुरा लगता है देख के, बहुत ही बेकार लग रहा था। मम्मा रो दी, मेरा बेटा परेशान हो जाता मैं रो देती तो ना, मम्मा रो दी बिग बॉस देख के, रो दी मम्मा ना गंदी मम्मा ना, नहीं प्यार करो, कहाँ जा रहे हो बता दो सबको एक बार प्लीज। मेरा पिता बहुत खुश है, कहाँ जा रहा है बताओ जल्दी बताओ, कहाँ जा रहे हैं हनी, हम कहाँ जा रहे हैं। मेरा हनी अभी छो के होता है तो अभी कुछ भी नहीं बोलेगा भाई, ठीक है मिलते थोड़ी देर के बाद। सब लोग उठ गए हैं तो मैं आई थी छोने के लिए कि एक बार छो जाऊँ थोड़ा सा मुझे नींद आ जाए, बट नींद ही नहीं आई, बिग बॉस देखते रह गई मैं, अब उठ जाती हूँ ना, मोबाइल चालो सुबह सुबह मोबाइल चालो, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। कल कपड़े दे दी थी आयन करने के लिए, कपड़े ही भूल गई, मैं जा रही हूँ फटाफट लेने, पता चला नहीं तो कपड़े इधर ही भूल जाऊँगी। आ चुकी है कपड़े दे दी भूल गई, तो सुबह मैं भूल जाऊँ फटाफट से कपड़े लेके आ जाऊँ, इस्त्री वाले भैया के यहाँ पे है, नहीं तो अभी पैकिंग भी मुझे करना है तो मैं सोची ले लूँ, नहीं तो पता चला भूल गई तो लोचा हो जाएगा। अभी आ गई इस्त्री वाले भैया का भी खुला ही नहीं, अभी टाइम हो रहा है 7:10, इतनी जल्दी मैं आ गई, अब क्या करूं, थोड़ी देर इधर बैठ के हवा लेती क्योंकि हवा बहुत अच्छी चलती है हमारी बिल्डिंग के यहाँ पे, बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। मुझे लग ही रहा था, डाउट था थोड़ा सा इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, बट मैं मानी नहीं, अपनी मनमानी करने लगी और आ गई, कोई नहीं देखेंगे बाद में, कोई आएगा तो उसको बेच के मंगवा लेंगे हम। गाइस तो आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आई नो आप लोग हमारा टाइटल और थंबनेल देख के थोड़ा सा घबरा गए होंगे, बट नहीं भाई हम जा रहे हैं। हाँ बीच में थोड़ा सा टेंशन हो गया था क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमें लगा भाई कहीं ऐसा ना हो जाए प्लान कैंसिल ना करना पड़ जाए, बट अच्छे से गए, दवा हुआ ले लिए दिखा लिए ठीक है अभी वो, तो हम जाएंगे और
अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि पैकिंग थोड़ी बहुत बाकी है भाई, अभी कुछ सामान इधर पड़े हैं देख रहे हो आप, इसको भी रखने भी बाकी हैं, सब सही से रखना है, कुछ कुछ चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि मैंने अपने एक फ्रेंड का भाई नाम नहीं लिया था, तो उन्होंने स्पेशली मुझे कमेंट किया कि भाई तुम मेरा नाम कैसे भूल गई लेना, तो वो मेरे से गुस्सा हो गए। तो मैं भाई बता रही, मैं एक्साइटेड तो हूँ ही सबसे मिलने के लिए। तो भाई हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं पंकज, निशा, मिस्टर एंड मिसेस प्रशून के नाम से जो हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, वो भी आ रहे हैं प्रियादीप के यहाँ पे, तो हमें काफ़ी एक्साइटमेंट है और हमारी फ़र्स्ट मीट होगी। वो हमारी बातचीत तो होती है, इंस्टाग्राम पे भी होती है, व्हाट्सएप पे भी होती है, कभी कभी कॉल पे भी हो जाती है, बट अभी पर्सनली हम कभी मिले नहीं हैं। तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं एक दूसरे से मिलने के लिए भी, निशा से मिलने के लिए, पंकज से मिलने के लिए, जिस जिसको हम जानते हैं फिलहाल उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, तो उनसे भी मिलने के लिए भाई काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो हमने आपका भी नाम ले लिया, अब आप खुश हो जाइए, आप मुझसे कटती मत होना, ठीक है? तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ब्लॉग बताना ज़रूर, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, टेक केयर, सी यू सून।